हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग वापस से जा रहे हैं करजत वीरा, ये हमारे कदीर भाई। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज फिर आपको हम नया विला दिखाएंगे और कमेंट में जरूर बताना कि ये विला कैसा था। गुड मॉर्निंग गाइस, पूरी रियल फ्रेंड टीम जा रही है। बोलते हैं गवंडी की पब्लिक। हम लोग अभी गवंडी सिग्नल पे पहुंचे और हम लोग का जो है ना ये पीयूसी खत्म हो गया था, तो ये देखो हम लोग पीयूसी कराने के लिए रुके। चलो चलो, मैं उदासी का भी देख सकता नहीं। तू तेरा ही ले ले, हमारा मन ले। सारी बातें मैं सुनो ना सुनूंगा, तेरे दिल से ना कभी झूलूंगा, सारे राज अपने तुझको दे दूंगा। आज हमारे और फ्रेंड्स लोग मिस हैं, ठीक है, जो आए नहीं उन लोग। हम लोग उन लोगों को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत। किसको मिस कर रहे हैं खास करके? आयबा, आयबा, मिस तो आयबा, तुम नहीं आए यार, मजा नहीं आ रहा ज्यादा। तुमने आयबा को बुलाया क्या पहले ये बताओ? आयबा बिजी है आज, आयबा बहुत बिजी है, सैटरडे है ना, बहुत बिजी है। कम से कम 50-60 जन को उनको हैंडल करना पड़ता है सैटरडे वाले दिन, इसलिए आयबा मांडवा। इमरान का भी बोल दो यार। अरे इमरान भाई, इमरान को मैं लाऊंगा, वो लड़का सब में अलग है और वो पैदा बहुत अलग लड़का है। और नॉनसेंस। लेकिन इमरान भाई बाहर होएंगे भाया सलीम की तरह। सलीम बाहर हो गया भाई, अपने यहाँ ही रहेगा। फ्रेंड्स, अभी सरफू भाई कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, वो सुबह से परेशान है। अरे बहुत परेशान भाई, सुबह से लोग परेशान कर करके सुबह 6 बजे उठा दिए और निकल रहे 9 बजे। ये देखो जो गाड़ी चला रहा ना, सबसे ज्यादा तो ढिल्ला आदमी वो है भाई, वो टाइम खराब किया उसने भाई। बोल कभी भी भाई। सुनो, कभी भी जाने का रहेगा ना तो ये जो ड्राइव कर रहा है ना, ये इतना बेकार है, कभी टाइम पे नहीं आएगा। 6 बजे निकलने का, 4 बजे उठाने का। अरे वो देख, राइट में गोवा बता रहा है, लेकिन ना अभी राइट मत मानना, अभी नहीं तो गोवा पहुंच जाएंगे हम लोग। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पनवेल पहुंच गए। हाँ, पूछा दिया इसने और टाइम पे पहुंचाया, और खाली हैरान कर दिया। सब चाय पियेंगे और नाश्ता करेंगे, ब्रेड पाव मस्त का खाएंगे। अभी एक्सप्रेस हाईवे चढ़ चुके हैं और हम लोग अभी पहुंचेंगे। तकरीबन हम लोगों को फिर भी यहाँ से एक घंटा लगेगा, एक घंटा। और हम लोग आपको बताएंगे कि ये कितना इजी रास्ता है और एकदम मतलब ऐसा है ना कि आप लोग आ सकते हो और फैमिली भी ला सकते हो। हम ऐसी जगह जा रहे हैं, है ना ब्रो? तो गाइस, पूना एक्सप्रेस हाईवे से फर्स्ट लेफ्ट मार के नीचे उतर जाना तो आपको ये टोल मिलेगा। देखिए इस टोल पे हम लोग हैं और अभी इसी टोल से हम लोग गुजरने वाले। ओके, फ्रेंड फाइनली हम लोग मेट्रो पैलेस रिसोर्ट में पहुंच चुके हैं। थैंक यू। हाँ तो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मेट्रो पैलेस रिसोर्ट में और आप लोगों ने देखे कि यहाँ पे कितने अच्छे से हम लोग का वेलकमिंग की है। हेलो सर, कैसे हो? ठीक हूँ सर, आपका स्वागत है मेट्रो पैलेस होटल पे। गाइस, यहाँ पर हमने एंट्री कर दी है काउंटर पे,
अब हम आपको यहाँ पर रूम दिखाएंगे, रूम दिखाने के बाद स्विमिंग पूल दिखाएंगे, पूरा रिसोर्ट दिखाएंगे। आइए गाइस, आप लोग को हम यहाँ का रूम दिखाएंगे कि आप यहाँ पर स्टे करेंगे तो आपको रूम कैसा मिलेगा। आइए मेरे साथ, ये देखिए गाइस रूम, यहाँ पर हर चीज की फैसिलिटी है। आप यहाँ पर आएंगे, आपको हर चीज की फैसिलिटी है, वो आपको एंड में भी हम बता देंगे। आप रूम देख लीजिए पूरा। आओ गाइस, आप लोगों को स्विमिंग पूल दिखाता हूँ। तो गाइस, ये एरिया जो देख रहे हैं आप लोग, ये बच्चों के लिए है। ये जो स्टिक का बॉर्डर लगा हुआ है, यहाँ पे बच्चों लोग के लिए नहाने के लिए है। बाकी आप लोग आइए, दिखाता हूँ मैं। बाकी यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा बड़ों के लिए कम से कम 40 से 50 लोग नहा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चेंजिंग रूम भी अवेलेबल है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो गाइस आपको हमने ये दिखा दिया चेंजिंग रूम। अब मैं आपको यहाँ का गार्डन बताऊंगा, जहाँ पर आप लोग फुल एंजॉय कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, फोटो क्लिक कर सकते हो, हर चीज यहाँ पर, लोकेशन बहुत प्यारी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ आइए आप। ये देखिए फ्रेंड, ये आप यहाँ पर बैठ के एंजॉय कर सकते हो, खा पी सकते हो, एकदम बहुत बढ़िया लोकेशन है। आइए आपको आगे का भी दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारे सरफू भाई बैठे हैं यहाँ पर। सरफू भाई, हाय गाइस, कैसा लग रहा है यहाँ पर आप? बहुत बढ़िया भाई, बहुत आराम जो है ना। आइए सेकंड पार्ट भी आपको दिखा देते। ये देखिए, यहाँ पर भी आप बैठ सकते हो आराम से, कुछ अगर लाए हो साथ में खा सकते हो यहाँ पर बैठ के, कोई नहीं है इशू। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा गार्डन है, और ये रेन डांस है, रेन डांस जो अभी फिलहाल बंद है, लेकिन है चालू, ये भी चालू हो जाएगा अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे, फुल एंजॉय कर सकते हो आप। हेलो, ये देखिए आपको एंट्री बिना फाउंटेन मिलेगा, लेकिन ये अभी फिलहाल बंद है, और जो है ना ये इवनिंग में चालू होता है। आइए आपको मैं आगे ही बताता हूँ। आइए, कंपार्टमेंट है जहाँ पे अपनी फैमिली के साथ हम बैठ के बात कर सकते हैं पर्सनली, ठीक है, और खाना भी खा सकते हैं। आइए, और ये रेस्टोरेंट है, वेज नॉन वेज दोनों यहाँ पर मिलता है आपको। वेज किचन अलग है और नॉन वेज अलग है, आपको बहुत ही बेहतर खाना मिल जाएगा यहाँ पर। अंदर भी है और बाहर, आओ यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ अच्छी ठंडी हवा मिल रही है, बढ़िया बाकायदा, और प्लस यहाँ पे बैठ के चाय नाश्ता भी कर सकते हैं, चाय के मज़े भी ले सकते हैं, और प्लस क्या ना, खाना पीना भी आराम से खुले में खा सकते हैं भाई, कोई टेंशन नहीं है इधर, बाकायदा मज़े लेने का इधर। हम लोग ने आपको रिसोर्ट के बारे में सारी चीज़ बता दी है, रूम्स हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, गार्डन्स वगैरह हो गया, सारी चीज़ बता दी। उसके बाद हम लोग आपको मिलाना चाहते हैं यहाँ के ओनर पवन सर से। पवन सर, आपको रिसोर्ट के बारे में क्या पैकेज है, क्या खाने का क्या है, ये और इंक्लूडिंग सारी चीज बताएंगे। कि हमारे पास आप आएंगे तो पर पर्सन 2000 रुपए रहता है, उसमें लंच रहेगा, डिनर रहेगा, ब्रेकफास्ट रहेगा और हाई टी रहेगा, और एसी रूम इंक्लूड रहेगा। जो भी ग्रुप हमारे रियल फ्रेंड्स के रेफरेंस से आएंगे हमारे पास, उनको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। पवन सर ने आप लोगों को बताया रिसोर्ट के बारे में, 2000 रुपीज पर हेड रहेगा, 24 आवर्स के लिए इंक्लूडिंग ऑल इंक्लूड रहेगा। और जैसे कि आप लोग में से कोई यहाँ पे आना चाहता है तो रियल टीम के रेफरेंस से अगर आप लोग आएंगे तो 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सर। अभी आप लोग रूम के अंदर आ गए हैं कपड़े चेंज करने के लिए, अभी हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल में नहाने, एंजॉय करने के लिए। अभी
लिए हम लोग चेंज करके हो गए, अभी हम लोग जाए स्विमिंग पूल में एंजॉय करने के लिए। पीछे तो स्विमिंग पूल और लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, अभी हम लोग ही वहाँ पे दे रही है, हम लोग पहुँच रहे फटाफट, ठीक है ना। छोटे फैमिली बच्चे लोग आके इधर खेल सकते हैं मस्त, और वो बड़ा ये छोटा है। अभी हम लोग जंप मार लिया अंदर और ऑलरेडी नहा रहे सब लोग अंदर फ्रेंड लोग, ये देखो बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है इतने ठंडे मौसम में भी, और पानी भी एकदम ठंडा है। प्लीज यार एक बार आप यहाँ पर आइए, बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है गाइस, आपको आना है जरूर। बाबा को देखो क्या कर रहा है बाबा। गाइस फाइनली हम लोग का एंजॉयमेंट करके हो गया है मेट्रो पैलेस रिसोर्ट में। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताइए, कैसी लगी नहीं लगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। सब्सक्राइब करो यार, प्लीज यार करो, करो जरूरी है भाई करो।